so ladies and gentlemen, cultural congruence of leadership. this is module 162. let's understand congruence of the leadership. to enhance the effectiveness of the leadership, manager must also consider the cultural context of both the company location and the individual employee. one is the company, second is the individual. इंडिविजुअल डिफरेंट साइकोलॉजी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट बिहेवियस उसका एग्रेशन है को, कुछ है आपने देखना है कि आपको कंपनी को क्या चाहिए न फिट बिटवीन टू एग्रेसिव आदमी सेल्स में काम करेगा लेकिन एग्रेसिव आदमी स्ट्रेटी में काम नहीं कर सकता एग्रेसिव आदमी सेल्स में काम करेगा लेकिन एग्रेशन उसमें गुस्सा तो नहीं आता वो बात बात पर नाराज तो नहीं हो जाता तो वह सेल्स बर्बाद कराएगा उसकी सेल्स पिच लेने के बजाय हाँ उसमें क्या देखा जाएगा खुशामद इंपॉर्टेंट है आपके अंदर बहुत खूबसूरत गुफ्तु करना जानता है एक्सीलेंट अगर आपको वो बातों के शहर में लेके आता है एक्सीलेंट स्नैरियो बिल्डिंग कर लेता है एक्सीलेंट आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो मैं नाम लिए बगैर चिप्स की बहुत बड़ी कंपनी थी तो उसमें बताया जाता था कि उसके जो बेस्ट सेल्समैन थे वो जाकर अपने रिटेलर को सुबह सुबह कहानी सुनाते थे क्या मसाला और जो दूसरा वाला है और वो जो दूसरा फ्लेवर है वो जो तीसरा फ्लेवर है आ, फ्लेवर बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट हो हो रहा है सो ये हो जाएगा इसको यहां ले लो वो तो उसी वक्त उसने प्ले किया उसकी साइकोलॉजी के साथ उसने कहा ऐसे करो तीन कॉटन उसके दे दो अच्छा अगले दिन फिर उसने वही वाली स्टोरी सुनाई उसने कहा फिर बारह कॉटन दे दे उसने फिर स्टोरी थे मैं बस पर्सनली विटनेस उसे तीनों दफा उसके ले लिए क्योंकि उसको डिमांड तो आई रही थी और उसने कहीं ना कहीं उसको प्ले भी कर लिया और जितना रिकॉर्ड था रिकॉर्ड से परसेंट नाइन परसेंट ज्यादा बेच रहा था दिस इज हिस्ट पिच टू टेक इन कैसे लेके जा रहा है कल्चरल देखिए जी यहां पर हमारे कल्चर के अंदर फियर बहुत है जी हम फियरबेस्ट लीडरशिप करते हैं हम फियर बेस्ट सिस्टम करते हैं ओ भाई आपका आप आप उड़ जाएंगे फिर क्या होगा एंड देन आपकी सिस्ट, आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा आप आएंगे मैं आपके पास नहीं जाएंगे फिर क्या होगा वीजे बंद हो जाएंगे फिर क्या होगा फलां क्या होगा आपने ये डिसीजन ले लिया तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस हैं बट आप फियर के अंदर एक बड़ा सख्त डिसीजन लेते हैं जो तो कि नहीं लेना चाहिए था ऐसी बात कर जाते हैं एक्ट ऑफ स्पीच कर जाते हैं ऐसा जुमला बोल जाते हैं जिस जो वहां नहीं बोला जाना चाहिए था बाद में फिर रेपर आती हैं सो यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स नाउ होम एंड होस्ट देखिए कल्चर को समझने के लिए चार क्वार के ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया एवरी एंटरप्र मस्ट अंडरस्टैंड द होस्ट एंड होम एंड होस्ट मैं जिस तरीके से पूरी दुनिया घूमने के बाद ये समझता हूं कि मुझे सर्दी बहुत लगती है वन तो मैंने ये सोचा कि ना मुझे कैनाडा रहना है ना अमरीका रहना है। पाकिस्तान में गर्मी सर्दी दोनों ज़्यादा है अच्छा अच्छा पोल्यूटेड भी है सो तो मैंने ऐसे ही आइडिया के तौर पर क्योंकि अल्लाह की ज़मीन है अल्लाह कहता है कहते सैरफिला तो हमने कहा हमने सोचा मैंने सोचा कि श्रीलंका रहना चाहिए दैस माई आइडिया अब वहाँ का कल्चर क्या है और मैं क्या हूँ क्या सिमिलैरिटी फिमिलैरिटी है इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज इंटायरली डिफरेंट कल्चर पसंद क्या है दैट्स अ डिफरेंट स्टाइल कि मुझे क्या चीज़ उसके अंदर ऐसे लग रही है कि सेंक्रोनाइज हो जाएगी सो so, आपने हाँ क्या देखना है कल्चर आप किधर बिजनेस करने जा रहे हैं आपका पेस्टल क्या है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सोशियो टेक्नोलॉजिकल लीगल चार पांच यहां पे देखिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कल्चरल कॉन्टेक्सल फैक्टर बिटवीन होम एंड होस्ट कंट्रीज मस्ट बी भीटेड कैलकुलेटेड फिर आप आ जाइए लर्निंग ऑपरचुनिटीज टू बी डिवेलप और टू इं इक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल्स पाकिस्तान में सत्तर साल उन्नीस सौ सत्तर के बाद नो no इनोवेशन हम इक्वायर किए जा रहे हैं इंपोर्ट 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 इंपोर, कुछ नहीं बना रहा सोचना पड़ेगा नहीं मूविंग ऑन एंटरप्रेन्योर का अगला पूरा अरसा अगर आप सौ साल समझ लें कॉटेज इंडस्ट्री की भरमार कर दें पाकिस्तान के अंदर स्पेस है मैं आज बता रहा हूं मैं वेल्यूट करके बता रहा हूं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रप्राइज डिपेंड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी इंसानों के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दें एंड सेकंड टूल के ऊपर इसलिए के तौर पर डिजिटल को इस्तेमाल कीजिए पाकिस्तान ऊपर जाएगा लेकिन आपको कल्चर को आपकी सोसाइटी उन बिहेवियर्स को खास तौर पे और हैबिट्स को डिसिप्लिन करना पड़ेगा जब तक आपने आदतों को डिसिप्लिन नहीं किया कल्चरल से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी चाइना के अंदर सर्कल के अंदर नुमारक भी याद कर रहे होते हैं तो आई जस्ट एक्ट फॉर यू पीपल कि दे दे आर लिटर्ली जंपिंग लाइक दिस तो वो याद कर रहे होते हैं और वो कोई नहीं देख रहे होते कि कोई उनको कैसे देख रहा है वो कैसे लग रहे हैं वो आते हुए उनके मोबाइल इस तरीके से होंगे आप उनको कभी भी अपने किसी फोकस काम के बगैर नहीं देखेंगे सो so, वहाँ का कल्चर वहाँ का डिसिप्लिन 5 बजे उठना 12 बजे एग्जैक्ट खाना 5 बजे सुबह का नाश्ता 5 बजे शाम का एंड दिस इज टोटल कवर आठ घंटे लगातार काम नो हैं पैंकी सो देखें वो काम कहां जा रही है सो so, नहीं एडजस्टमेंट दू सो आई मीन वेरिएबल्स आर वेरी मच इंपोर्टेंट टू बी एडजस्ट इट इक्वली वन इज साइकोलॉजिकल फिमिलैरिटी मैंने अभी श्रीलंका का जिक्र किया मालडिवस का जिक्र क्यों नहीं किया तो किसीनो प्लेस बहुत खूबसूरत जगह है बहुत ही अच्छी जगह है बहुत ही लग्जरी है श्रीलंका के अंदर लग्जरी तो है लेकिन बाकी जगह हम्बेलिटी नजर आएगी उसमें आपको पैसा नजर नहीं आएगा आर्टिफिशलिटी नजर नहीं आएगी बाकी तरह की चीज़ें नजर नहीं आएगी। हम्बल स्मूथ अच्छी इन्वॉर्मेंट अच्छा तरीका कार, हर आदमी तकरीब अच्छा दूसरा दो मैंने फैक्टर देखे वन इज़ हेल्थ करप्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बाद वजूद हेल्थ हुकूमत की जिम्मेदारी और एजुकेशन एजुकेशन हरा बंदा आपको ओ लेवल ए लेवल मिलेगा मस्ट सो so, इसकी वजह से 99 परसेंट लिटरेसी जबरदस्त होगी और लिटरेसी पाकिस्तान वाली 66 परसेंट नहीं या 50 परसेंट नहीं जो सर नाम बोल ले या अपना नाम लिख ले तो लिटरेसी काउंट होती है नो ओ लेवल ए लेवल सो अगर यहां तक आपने बना लिया तो ये कॉम का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा आगे देखिए बिहेवियर कॉम्पिटेंसी सो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी और साइकोलॉजिकल फिमिलैरिटी को फिक्स आप फिक्स कीजिए आपकी एडजस्टमेंट आ जाएगी दिस इज दिस गिव यू वॉट द पर्सन कल्चर कॉन्ग्रेंस यानी स्किल प्रपोज बाय एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल एक्सपेक्टेशन टू द होस्ट सोसाइटी दिस इज हाउ योर बिजनेस हाउ योर इंडिविजुअलिटी ग्रो इन टू द बिजनेस थैंक यू वेरी मच